इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर मेरा दिल पर। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज बात होगी सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया से मैं किसी प्लेटफॉर्म पर का जिक्र नहीं करूंगा, बल्कि बात होगी जो राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया या उनके जो थर्ड पार्टी अकाउंट हैं जिनसे अन्य गतिविधियां, एक दूसरे पर तंज कसवाना का काम जो ये पार्टियां करती हैं, या किसी के ऑफिस का कोई अकाउंट है, उनकी भाषा शैली कैसी हो गई है। एक समय था कि जब नेता मंच के बयानों को छोड़ देते थे, बाकी आराम से चाय नाश्ता गले मिलते थे, लेकिन आज की राजनीति में हम बेशक सोशल मीडिया पर हावी हो गए हों और सोशल मीडिया हम पर हावी हो गया हो, लेकिन वो चीज़ें खत्म हो गई हैं और इसी पे आज चर्चा करेंगे। द्वंद्व जारी, तनाव भारी। यूपी के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा के ऑफिस के एक्स अकाउंट और सपा मीडिया सेल के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग से यूपी की सियासत में हलचल मच गई है। आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए, जंग एक दूसरे पर गाली गलौज तक पहुंच गई। इस बीच नगर विकास मंत्री ए के शर्मा के भाई ने मऊ में सपा नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। मंत्री के भाई ने योगी सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं सपा मीडिया सेल ने इस पर भी हमला बोला। सपा मीडिया सेल की ओर से लिखा गया कि मंत्री महोदय ने अपने भाई के जरिए से FIR करवा कर खुद ये साबित कर दिया कि जो खबरें उनके भ्रष्टाचार के संदर्भ में मार्केट में हैं वो सत्य हैं। भाजपा के अंदरूनी हलकों में भी मंत्री महोदय के परिवारवाद भ्रष्टाचार संबंधी चर्चाएं का बाजार गर्म है। अंदर की बातें बाहर जो आ रही हैं वो मंत्री महोदय के द्वारा सत्यापित कर दी गई हैं। मंत्री महोदय ज़्यादा विचलित हैं, अभी उनका विचलन और बढ़ेगा जब भ्रष्टाचार की पोल पट्टी खुलेगी और जमकर खुलेगी और जोरदार खुलेगी। ये समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के एक्स अकाउंट पर ये लिखा गया। नगर विकास मंत्री ए के शर्मा के ऑफिस की ओर से बताया गया कि मऊ में सपा नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। सपा मीडिया सेल और पार्टी के नेताओं पर मानहानि करने का आरोप लगाया गया है। दरअसल 4 अक्टूबर को सपा के मीडिया सेल ने एक अखबार की कटिंग शेयर की। इसमें कानपुर की चंद्रयान 3 सड़क की बदहाल स्थिति दिखाई पड़ रही है। सपा मीडिया सेल ने कैप्शन में लिखा, कौन सी भ्रष्ट शराब का नशा करके सो रहा है मंत्री, उठकर देख अपना निकम्मा और नकारापन। जवाब में के शर्मा की टीम ने क्या लिखा, बस इसके बाद जंग शुरू हो गई। जवाब में के शर्मा की ऑफिस टीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, टोटी चोर जहां जहां जाते हैं वहां से टोटी निकालने की वजह से जलभराव होता है और इस सड़क पर भी हो ना हो ऐसा ही कुछ कारण होगा। देख लो उधर कोई टोटी खुलकर तुम्हारे घर आई है क्या, हम इसकी जांच अवश्य कराएंगे। टोटी चोर की तरफ उनका इशारा सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर था। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जंग कुछ ही देर में गाली गलौज तक पहुंच गई। बता दें कि दोनों टीमों के बीच ये जंग काफ़ी समय पहले से चली आ रही है। सपा अध्यक्ष ने वाराणसी में कचरे के ढेर की फोटो साझा कर नगर विकास मंत्री को निशाने पर लिया था। इसके बाद नगर विकास मंत्री ने भी पलटवार किया था। एक बार ट्वीट आप एक्स पर जो पोस्ट किया उन्होंने, ट्वीट उसका पुराना नाम है, वो देख लीजिए। सपा नेताओं मीडिया सेल के विरुद्ध परिवार के जनों की मानहानि करने सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत मंत्री जी के भाई ने मऊ जिले में अपने थाने पर FIR दर्ज कराई है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा। फिलहाल हमारे साथ सपा प्रवक्ता पूजा मिश्रा जुड़ चुकी हैं और सुनील त्रिपाठी हैं वरिष्ठ पत्रकार, प्रोफेसर एम एल वर्मा राजनीतिक विशेषज्ञ भी थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे और आकाश राय BJP नेता भी हमसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले पूजा आप ही का रुख करूँगा, आप लोग के मीडिया सेल की दिक्कत क्या है? एक नॉर्मल चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, मतलब उसका ही बवाल, उसी की सारी चीज़ें
और इतनी अंदरूनी जानकारी अगर रहती है तो फिर वो लिखा पढ़ी में अखिलेश जी को दे, क्योंकि सबकी जानकारी लेना और इस तरीके से अपने आप को प्रटेंड करना कि उन्हें सारी जानकारी है, और भाषा इस अकाउंट की मर्यादित बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज़्यादा FIR हैं इस अकाउंट के ऊपर। अनम्यूट कर लीजिए पूजा जी। विशाल जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ रही है जी। पहले तो आपको नमस्कार और सब लोगों को मेरा नमस्कार। आपने कहा कि जो है भाषा शैली पे जो है ये सोशल मीडिया अकाउंट ने ध्यान क्यों नहीं दिया। पहले तो आप देखिए कि अगर आप भाषा शैली उठा करके देखेंगे तो सोशल मीडिया अकाउंट का जो समाजवादी पार्टी का एक्सेंट लग रहा है, उसने मंत्री जी से सवाल ही तो पूछा और उसके जवाब में मंत्री जी के शब्द कैसे निकल गया, उनके जो ऑफिस का जो हैंडल है उस पर कैसे जवाब है। चाहते तो मंत्री जी जो है इस पर ये जवाब दे देते कि भाई हम इस पर कार्य करेंगे। विपक्ष का कार्य होता है कि आपसे सवाल पूछना, सवाल पूछा गया और आप उस पर और गलत प्रतिक्रिया देते चले जा रहे हो। और आपने भी देखा होगा विशाल जी, अगर ट्वीट की सीरीज खा करके देखेंगे जो एक्स पे पोस्ट करते रहे लगातार, और तो लगातार जो शब्दों का चयन रहा है वो तो मुझे लगता है कि मंत्री तो ज्यादा गलत निकल करके आया है। और मंत्री जी को मुझे लगता है शायद घबराहट हो रही है। आपको बताओगे मंत्री जी पूर्व IAS हैं और जो है वो सचिवालय में रहे हैं 2014 से लेकर 2016 तक। और आपको भी पता है कि स्वरूप जी जो पूर्व सेक्रेटरी रहे हैं कॉल के, उन्होंने अपनी किताब में जिक्र भी किया हुआ है कि किस तरीके से ये कॉल घोटाले में किस तरीके से प्रेशराइज कर रहे थे। तो मुझे लगता है तो इतिहास का कोई खूबसूरत नहीं है ना। 2021 में अपने कौन IAS होता है जो 2000 रिटायरमेंट ले लेगा फिर सत्ता पक्ष के पास चला जाएगा। वो वही होते हैं जिनको कुछ चीजें छुपानी होती है, जिनको लगता है कि नहीं सत्ता का संरक्षण चाहिए होगा, 2021 में अपना रिटायरमेंट लेते हैं फिर चले जाते हैं। हालांकि मंत्री है, लोकतंत्र है, हम मानते हैं कि आपका लोकतंत्र है, आपको जब रिटायरमेंट लेना है वॉलंटरी आपने लिया और आप लेने के बाद में BJP ज्वाइन कर कोई परेशानी नहीं है। आप BJP कार्यकाल में जो है मंत्री पद पे भी है कोई परेशानी नहीं है, पर बिगड़ जा रही है आप उसमें जवाब दे देते आप उनके कार्य करते। मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होता है इसके बजाय कि आप जो शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया उसका रिपीट भी नहीं कर सकते, हम रिपीट भी नहीं कर सकते हैं। पर आपने भी देखा मैंने कि वो सारे शब्द नहीं दिखाए जो उन्होंने आगे और किए, आपने भी दिखा होगा इसकी सीरीज ऐसा है नहीं कि यहाँ तक ही रुकी, वो तो कांग्रेस से चली गई ना जाने कहाँ कहाँ तक पहुंची हुई है और किसके तरफ से पहले पहुंची है ये भी आप देखे होंगे। तो मुझे लगता है कि मंत्री जी को अपना कार्य करना चाहिए था इसके बजाय कि वो गलत शब्दों का प्रयोग करते। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि सबको समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल ही कर रहा है, मैं ये कह रहा हूँ चर्चाओं में बना रहता है और अमूमन सबके लिए उसके जो पोस्ट होते हैं एक्स पे वो इसी तरीके के होते हैं। हम प्रश्न करते हैं, हम कोई अमर्यादित शब्दों का प्रयोग तो किया नहीं, हमने कहा भ्रष्टाचार की जो है मदिरा में आप लिखते हैं तो भ्रष्टाचार की मदिरा अलग अलग होती है, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये गलत वक्तव्य कहे गए और इसको आप लोग ले लिया इस तरीके से गलत और उसके बाद में आपके शब्द गुजरते चले गए तो टिट फॉर टैट तो लाजमी है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम बैठे हुए खाली कि आप जो है गालियां बकेंगे और हम गालियां सुन लेंगे। आपसे जनता की हित की प्रश्न पूछा गया उस पर जवाब देने के लिए आपको पता है कि कितनी मृत्यु होती है। मैं भी इलाहाबाद में से लगे हुए जो है इलाहाबाद का ही विधानसभा लगता है कृष्णा, इसमें अभी बरसात में इतना जाने कितने लोगों की मृत्यु हो गई है बस इसलिए क्योंकि करंट जो है पेड़ से आ रहा था और उसके मृत्यु हो गई लोगों की। तो आपको उसको देख रेख करनी चाहिए थी। आपको विपक्ष ने सवाल पूछा था उसको देखते, लेकिन नहीं आपको तो जो है अपना लग रहा है कि विपक्ष ने कुछ अटैक कर दिया गया। आप ऊर्जा मंत्री नहीं होता तो आपसे कौन सवाल पूछता। जो ऊर्जा मंत्री रहेगा उसी से तो पूछा जाएगा ना सवाल, जो मुख्यमंत्री रहेगा उसी से सवाल पूछा जाएगा ना विशाल जी, कि किसी और से सवाल पूछने के लिए चले जाएंगे वो। मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा ले लिया कि शायद उनको पर्सनली कहा जा रहा है, वो पर्सनली जो है होने लग गए, उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक ऊर्जा मंत्री से सवाल था, ऊर्जा मंत्री कोई भी होता उससे ये सवाल रहता कि भाई आप भ्रष्टाचार की मृत्यु पीकर कहाँ सो रहे हैं, आप कार्य देखिए अपना, जिस जो कार्य आपको कार्यभार दिया गया हुआ है तो उनको कार्यभार पे जवाब देना कार्य देखना चाहिए था ना कि उसको ये ले लें कि उनको कहा जा रहा था चोर की गाड़ी में तिनका। उनको लगा नहीं ये तो हम ही कहा जा रहा था, उनको अपने सारे कारनामे याद आने लगे होंगे जो हो सकता है कि समाजवादी मीडिया शेयर को भी ना पता हो और हमें भी ना पता आपको भी ना पता। उनको लगा नहीं इसी की बात चल रही है और उस बौखलाहट में मुझे लगता है कि वो गंडला से बचकर वक्त पर देते चले गए। मैं भूल गए कि वो ऊर्जा मंत्री है, वो सिर्फ जो है AK शर्मा नहीं है कि जो IAS रहे हैं, IAS रहने के बाद में कोल घोटाले में, हालांकि उनके कई सारे नाम आए हैं और सरकार है जब तक सत्ता है तब तक मुझे लगता है कि वो जांच में आएंगे भी नहीं, साबित भी नहीं होंगे, तो सत्ता जाएगी तभी जांच में सब लोग होंगे। चलिए, जब मैं सुनील त्रिपाठी जी के पास चलूंगा और प्रोफेसर ML वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनील जी, मेरा सवाल फिर मैं आपसे वही करूंगा, राजनीति जी
एमएलवाई में आऊंगा आपके पास, मैं सुनील जी से, क्योंकि पूजा कोई जी नहीं, अभी ठीक है मैं देख ठीक रहा है, हूँ वेट मीडिया करते सेल इतना हावी, मतलब जी। मंत्री जी के ऑफिस से बयान, वो तो हम बोल भी नहीं सकते टीवी पे, एक मर्यादा होती है। मैं दोनों लोगों की गलती बता रहा हूँ भाई, ऐसे लड़ रहे हैं जैसे दो लोग, दो कॉलेजों के दो गुट हो। और आप अगर ऊर्जा मंत्री, नगर विकास मंत्री यूपी जैसे स्टेट के हों, तो आपको ऐसे रिप्लाई करना भी नहीं चाहिए। आपने रिप्लाई किया और भाषा शैली दोनों ही लोगों की तरफ से ऐसी हो। सुनील जी, देखिए विशाल जी, भाषा शैली केवल मर्यादा हम ही लोग रखते हैं, बाकी मैं देखता हूं कि राजनेता तो भाषा शैली कैसी बोलते हैं, संसद से लेके सदन तक आप देख लीजिए, सड़कों पे देख लीजिए, 10-15 साल से राजनीति का ऐसा अपराधीकरण कहिए या राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, जो भाषा प्रयोग की जा रही है वो किसी भी हद तक उचित नहीं है। अगर हम समाजवादी पार्टी बात करें तो आप ये भी कह सकते थे भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे, लेकिन भ्रष्टाचार की मदिरा का प्रयोग करना मेरी समझ से ये भी कहीं शोभा नहीं देता है। हम ही लोग लिखते हैं, खबरों में लिखते हैं कि भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे, भ्रष्टाचार के आगोश में डूबे अधिकारी, लेकिन भ्रष्टाचार की मदिरा मैंने भी अपने पत्रकारिता तक 35 साल के जीवन में कभी भी कलम से नहीं लिखा होगा। उसके बाद मंत्री जी जिस तरह से एक्स पे पोस्ट करके उसका जवाब दे रहे हैं, टोटी चोर ये चोर, ये एक मंत्री के लिए और अखिलेश जी के लिए दोनों लोगों के लिए शोभा नहीं देता। अब अमर्यादित शब्दों का प्रयोग आप लोग करें, इसका क्या प्रभाव जनता के ऊपर जाएगा, आपका क्या संदेश जाएगा? इसको हटाओ पेचिस, तो निश्चित रूप से हंस कहीं जाएगा कहीं यार। गलत संदेश जाता है और ऐसा दोनों लोगों ने करना चाहिए। वैसे भी विशाल जी आप देख रहे हैं, जब से सोशल मीडिया का युग आया है सबसे ज्यादा नफरतें सोशल मीडिया फैलाई जा रही हैं, सबसे ज्यादा कुकृत्य के कार्य भी सोशल मीडिया दिखाए जा रहे हैं, तो सोशल मीडिया जितना हमारे लिए फायदेमंद नहीं हुई उससे ज्यादा आज नुकसान की स्थिति में सोशल मीडिया बैठ रही है। फायदा उसका ये जरूर है कि कुछ घटनाएं होती तत्काल सरकार तक पहुंच जाती हैं, लेकिन दुरुपयोग ये है जिस तरह से लोगों के दिलों में नफरत का बाजार पैदा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, वो भी कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। और अगर शब्दों की आप बात करें तो हमारे अखिलेश जी सदन में विधानसभा में भी किस तरह से वक्तव्य दिए पूरे लोगों ने देखा, स्वामी को केशव मौर्य जी का उनका वक्तव्य, मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि मुलायम सिंह जी के कार्यकाल को आप कभी उठा देख लिए, नेताजी ने सदन में कभी भी किसी के साथ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं किया होगा मुलायम सिंह जी ने। कोई भी घटना हो, पत्रकार हम लोग क्वेश्चन पूछते थे नेताजी से, दौर मुझे याद आता है, अगर कहीं नेताजी को बुरा भी लगता था तो मुस्कुरा के चुपचाप छोड़ देते थे उस शब्द को कि हम लोग क्या पूछ रहे हैं। लेकिन अब इस तरह दौर आ गया है राजनीति का, चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे सड़क पे हो, जो बड़ा ही दुखदाई है और अति निंदनीय है। आप इतनी बड़ी पोस्ट बैठे हैं और इस तरह और का मर्यादित शब्दों का प्रयोग इसमें कर रहे मंत्री हैं जी का तो दोष जनता नहीं से है, क्या उम्मीद इसमें करेंगे मंत्री आप जी का दोष नहीं है जी? सुनील जी। अब आपको मैं बताऊं क्या होता है, चूंकि एक प्यार का काम शुरू हो गया है, अब प्यार से जी जी वो प्यार वाला प्यार तो खत्म ही हो गया है राजनीति में, अब तो पीआर का आप काम यार आ सब, गया अब सब पीआर आ गया है। एक टीम हायर की जी जी जाती है जो बकायदा उनकी रील्स फोटो, उनको बोलना क्या है, उनको क्या कैसे अपने आप को दिखाना है पब्लिक के बीच, अब सब कॉमर्शियल काम हो रहा है। तो उनको ये लगता है कि अगर हम इस तरीके से बात करेंगे तो हम बताएंगे कि हम जी कितना हनकदार हैं। और वो हमारी उम्र से, मतलब मुझे तो लगता है, मुझे तब भी 8 साल हो गए इस लाइन में, तीन तीन दो दो जी तीन तीन साल जिन्हें सिर्फ सोशल मीडिया हैंडल करना आता हो वो लिखते हैं। वरना मुझे जी याद है एक घटना, पूजा जी को पता जी होगा, अखिलेश जी रथ लेके निकले थे अभी 22 के चुनाव में, और आपको पता होगा एक उसमें 4 बच्चे थे जो उनका एक्स अकाउंट चलाया करते थे, तो उन्होंने घटना को घटनी लिख दिया था। और स्वयं मेरे साथ जो साथी थे पत्रकार साथी, उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट खोल के दिखाया कि भाई साहब ये देखिए, तब अखिलेश जी ने जी फटकार लगाई। तो पता नहीं होता ना उन लोगों को, बताया नहीं जा रहा नेताओं को, और नेताजी को पता है, अगर अगर भाई ने उनके एफआईआर कराई इसका मतलब नेताजी के पास संज्ञान था कि भाई देखिए आपके बारे में ये बोला जा रहा है। तो उनके जाने में ये सब हुआ है, उनको सब पता था, उनके
उनको सारी चीज़ें दिख रही थी। प्रोफेसर एम एल वर्मा की तरफ मैं जाऊँगा, सर ये सोशल मीडिया को हम लोग अभी जैसे सुनील जी ने कहा कि सरकार तक बात जल्दी पहुँच जाती है, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में कोई बात रुकती भी नहीं है। एक आपको याद हो कि एक आईएएस आईपीएस की कोठी को लेकर फर्जी बात वायरल हो गई वैसे ही ये भी है कि अब पूछ लिया किसी ने कि भाई चंद्रयान 3 है कानपुर की एक सड़क का, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया तो उस पर टोटी चोर की एंट्री हो गई। अरे भाई आप कह देते उसमें कुछ और, रिप्लाई ना करते आप, उस रोड को सही करवा के उसकी फोटो डाल देते कि भैया चंद्रयान नहीं है मैदान है, आपने ये नहीं किया, आपने सब कुछ बता डाला। तो मूल काम छोड़ दिया गया है, मूल मुद्दे गायब हैं, मूल काम छोड़ दिया गया है। अगर कोई मंत्री है तो बस वो ये दिखा रहा है कि हम आज फला जगह गए, वहाँ रील बनी और एक बढ़िया सा कोई ट्रेंडिंग गाना लगा के स्लो मोशन में टीके का लगवाते हुए सब काम चल रहा है। देखिए विशाल जी, तो जिसको आप कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ गए, जितना आगे बढ़ते हैं उतने पीछे भी जा रहे हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें चलती हैं और लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ देते हैं और नेगेटिव को अपना लेते हैं। आप एक बात बताइए, जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे कि अगर ये पूजा जी भी कह रहे थे कि अगर ज़रूरत है तो हम किसके पास जाएंगे, किसको कहेंगे, किससे उस बात को करें। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जब उसमें राजनीतिकरण हो जाता है तो उसमें मुद्दे को भटकाया जाता है। एक किसी डिपार्टमेंट में कोई अगर, या तो आप तय कर लीजिए कि डिपार्टमेंट पूरी तरह से पाक साफ है, बहुत अच्छा है, या ये तय करिए कि अभी हम ठीक कर रहे हैं भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। तो अगर किसी कमी को किसी ने दिखा दिया और उस कमी को दिखाने के बाद में आप मुद्दे को, ताकि उनकी बदनामी ना हो जाए, क्योंकि एक चीज और जान लीजिए इसके पीछे मूल रीजन क्या है, एके शर्मा जी वो राजनीति से नहीं आए, बिल्कुल वो ऑफिसर थे और किसी ऐसे नेता के साथ थे जिसकी वजह से उनकी एंट्री हुई। तो वो जब इंट्री हुई तो इस कारण से आए कि हम जिस डिपार्टमेंट को लेंगे उस डिपार्टमेंट को बहुत बेहतर ढंग से चलाएंगे, और अगर उसमें अगर कोई शिकायत आती है, कोई बात आती है, तो निश्चित रूप से उनकी पोजीशन खराब होगी, और पोजीशन खराब होने के लिए उस मुद्दे को भटकाने के लिए कुछ ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दे को क्यों नहीं, उस मुद्दे पर क्या कार्रवाई वो बता दें। कहाँ वो तो बता नहीं रहे ना, वो तो तमाम चीज़ों गई, वह संपूर्ण झूठ है, तत्वहीन है, आपत्तिजनक है, परिवार को बीच में लाकर अनर्गल अच्छा से, ये मैं इस चीज़ पे जा ही नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक मंत्री जनता दरबार सीएम लगा रहे हैं, जनता दरबार दोनों डिप्टी सीएम लगा रहे हैं, और मैं तमाम विधायकों को देखता हूँ जनता दरबार लगाते हैं, सुबह मिलते हैं कि दो दो घंटे विधायक काम भी करते हैं, काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों ही दल के लोग दरबार लगाएं और काम ना करें तो भी कोई फायदा नहीं। और अगर मैं तो देख रहा हूं जी को आपत्ति के आपको उस जो आरोप लगाया गया है उसका बता दें, हमने क्या समाधान कर दिया है उस पे बात नहीं करते हैं, लेकिन मुद्दे को भटकाने के लिए ताकि आदमी उधर डाइवर्ट हो जाए। आप पता लगा आवास विकास देख रहे हैं और इस समय मुद्दा क्या है कि जाने कितनी जगह पे बरसात के कारण सड़कें खराब हो गई, शहरों में बिल्कुल पानी भर गया है। अब इसका क्या जवाब है? जवाब यही है कि आप गलत बोल रहे हो तो आपस में वो लड़ना शुरू कर दीजिए, उन्होंने ये कहा फला पार्टी ने, फला कहा है, फला पार्टी ने ये कहा है। मुझे तो याद है, हम तो ये कहते हैं अगर आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, आप कहीं से भी कुछ संवेदनशीलता आप में है, आपने देखा होगा उस जमाने के उदाहरण जिसमें लोग मिनिस्टर थे और अपनी मंत्री पद छोड़ दिया कि विभाग छोड़ दिया, अनेकों ऐसे लोग हैं जो कि वहां संवेदनशीलता थी, घटना उनके डिपार्टमेंट की हुई और उन्होंने कहा नहीं ये मेरी जिम्मेदारी है और छोड़ दिया उसको। यहाँ जिम्मेदारी नहीं है, आप तो पद पे आए, अगर कोई प्रॉब्लम आती तो उस प्रॉब्लम को दूर करने का बताइए। मैं कहता हूँ आवास विकास और ऊर्जा विभाग इतना अगर ठीक कर दिया आपने तो उसको आम पब्लिक क्या खोल दिया है? आम पब्लिक अगर कोई शिकायत करना चाहती, मैं अपना उदाहरण बताऊँ, एक शिकायत एक्स पोस्ट पर भी मैंने उनको मेल भी किया और आज तक कोई जवाब नहीं आया। विशाल जी बिल्कुल हम हर तो, चीज करते हैं। अब आप देखिए ना, अभी जैसे कल मैं डेंगू और मलेरिया को लेकर चर्चा कर रहा था कि भाई इतना पैसा आता है, और ये भी इन्हीं का मंत्रालय है, ये भी एके शर्मा जी का ही पास है, नगर विकास, नगर निगम और नगर पालिका सब इनके अंदर कहता है, सब इनके पास। और आज ही मैंने भी खबर पढ़ रहा था, मेरे हमारे सीनियर ने मुझे बताया कि उन्नाव से एक अधिकारी को
एंटी करप्शन वाले ले गए, हाँ ले गए, वो डेंगू मलेरिया का जो पैसा जो आवंटित तो बजट है उसमें हेर फेर का आरोप। भाई साहब बरसात खत्म हो गई, अब तैयारी हो रही है, अब तैयारी हो रही है कि डेंगू से निपटेंगे कैसे जब मरीज आने लगे। खत्म हो गई, और मैं भी कानपुर के पास इलाके में रहता हूँ, और आज तक वो एक दिन नहीं देखने को मिला कि कहीं पे मच्छरों को मारने वाली दवा छिड़क दी गई। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको लेना चाहिए। अगर आप निश्चित रूप से उसको नहीं बेहतर ढंग से कर सकते हैं तो आप कहीं अब ये नहीं कर पाए। जो ओरिजिनलिटी उसको एक्सेप्ट करना ज्यादा अच्छा होता है। अगर हमारे में कमी, हम कह दे भैया ये मेरे में कमी थी इसलिए ऐसा नहीं हुआ, तब तो ठीक बनता है। कुछ इथिक्स है, या तो मॉरली आप पूरी तरह से, आपके इथिक्स, आपके सारी चीजें काम कर रही है, बहुत अच्छा चल रहा है, आप व्यवस्था में कोई जरूरत कोई कमी नहीं है जो आम जनता को उसका लाभ मिलता है, बिल्कुल ठीक है। और ये पब्लिक और मुद्दा भटकाने के लिए तो तरीके अलग हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल वो हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी पूजा मिश्रा से शिकायत की कि आईटी सेल को जो भी चलाता हो, अब पता नहीं अब आप बताएंगी नाम नहीं बताएंगी, पहले एक अग्रवाल जी चलाते थे, बेचारे जेल भी जाना पड़ा उनको, बाद में जमानत अमानत मिली थी। लेकिन मसला ये कि आप इनको भी थोड़ा समझाइए भाई कि इस तरीके से आप एक मंत्री हैं, पूर्व आईएएस हैं, इतने गुजरात काडर में रहे इतने लंबे समय तक, और आप उनके लिए ऐसी भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं और सबके लिए कर रहे हैं, कोई पत्रकार नहीं छोड़ा आप लोगों ने, एक पत्रकार नहीं छोड़ा, कोई बीजेपी का नेता नहीं छोड़ा जो आपके खिलाफ लिख दे इस अकाउंट के खिलाफ, उसको अगले दिन से ही उसका एक लिफाफा पता नहीं क्या क्या लिखने लगते हैं लोग, या तो खास ट्रेनिंग दी गई है। ये एक फार्मूला और है, हमने देखा है बहुत छोटे जिले, आप कभी किसी विभाग के विषय में पार्टी की बात कर रहा हो जो नहीं मुझे करना चाहिए जी, अगर आप कोई एक बात लिख दीजिए कर दीजिए, तो उसको कुछ लोग, एक गिरोह होता है, वो गिरोह पूरी तरह से घेर लेता है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा ताकि आप दोबारा बोल ना सके। तो इस अमृत महोत्सव के काल में जब हमारी ये पोजिशन है कि हम कुछ बोल ना सके, बोलने की हिम्मत ना कर सके, तो फिर क्या है हम लोगों के लिए, ये तो लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, पूजा जी जवाब दीजिए, अनम्यूट कर लीजिए आप पूजा जी। आपने कहा कि जो है मीडिया सेल जो हमारा है वो भी प्रश्न करता है, वो प्रश्न उठाते रहते हैं, और प्रश्न उठाना जो है कोई बुरी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि सुनील जी भी इस बात से जो है एग्री करेंगे, क्या है कि नहीं मदिरा नहीं लिखना चाहिए था, पर गलत भी तो नहीं लिखा ना, मतलब बस अगर हम तो ये कि सुने मद में चू रहे हैं, सत्ता के मद में चू रहे हैं, हाँ वो उनको लिख देना चाहिए था कि न जाने सत्ता के किस मद में चू रहे हैं, भ्रष्टाचार के मद में चू में लिख दिया, ये गलत लिख दिया। मैं एक बार आपके अगर वक्तव्य में जाऊँ, आपने उनका पढ़ा क्या जो मंत्री जी के ऑफिस से लिखा गया, आपने उनके उनका पढ़ा गया, उन्होंने क्या लिखा, उनकी तरफ से क्या लिखा गया? हम कह रहे हैं कि आप हमारे जो एक्स हैंडल से पोस्ट किए गए आप उनको बोल सकते हैं बैठ करके, यहाँ पे उनके जो एक्स हैंडल से पोस्ट किए गए उन पे आप नहीं बोल सकते हैं। अभी आप ही कह रहे थे कि सदन में जो है केशव प्रसाद मौर्य जी कुछ कह रहे थे, उस पे जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जवाब दिया था, सदन में दिया। भाई आपके पिताजी को कोई कुछ कहेगा, कौन किसने शुरुआत की, शुरुआत किसने की थी? आप शुरुआत करेंगे और आप चाहते हैं कि आदमी जो है बिल्कुल पीछे हट जाए, आपको जवाब भी ना देगी, तो गलत बात है ना, ये तो कुछ अब देना पड़ेगा। अगर आपके पिताजी होंगे सुनील त्रिपाठी जी, अगर आप हैं, अगर मैं हूँ, हम एक परिवार से आ रहे हैं, हम सदन पे रहें, प्रधानमंत्री बन जाए, और जिस समय अगर कोई हमारे पिताजी को लेकर के या फिर हमारे भाई बहन को लेकर के, हमारे परिवार को लेकर के कुछ बोलेगा, तो वहां पे तो जवाब देना पड़ता है। मुझे लगता है कि वहां पे आप उकसा रहे थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, तो उन्होंने जो है उसको जवाब दिया हुआ था। और अभी जो है मैं अग्री करूंगी, वर्मा जी कह रहे थे कि आपको तो कार्य करना चाहिए, मैंने शुरुआत में ही कहा कि उनको ये जो पोस्ट लगा ना, उन्होंने लिया कि पर्सनल मेरे इतिहास पे चर्चा की जा रही है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ सीधा सा एक सवाल था ऊर्जा मंत्री जी से कि भाई आप कहाँ पे हैं, अगर करप्शन तो करप्शन है। अच्छा आज आज पूरे दिन यही पूछा गया है, अलग 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 कटिंग डाल के। पूजा जी मैं रोकूंगा, मैं तो मीडिया सेल आपका खोले हुए हूँ, आज तो पूरा दिन आप लोगों ने वही पूछा मंत्री जी कहाँ है, अलग अलग आप लोगों ने, केशव प्रसाद मौर्य जी ने उसमें कुछ कहा तो एक फोटो एक न्यूज़ चैनल की ट्वीट कर पोस्ट कर दी ए के शर्मा ने कि चोर चोर मौसेरे भाई, फिर उस पर एक जवाब आया, फिर रागनी सोनकर ने भी उनके विभाग को लेकर एक बयान दिया कि 900 करोड़ का घोटाला है पूर्वांचल विद्युत विभाग में, तो उसको लेकर भी कहा है कहाँ है मंत्री। तो आज सुबह से आप लोगों ने मुहिम लगा दी, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिसके पीछे आपका मीडिया सेल पड़ गया, फिर उसको या तो सवाल पूछा
बताइए विशाल जी, एक उसमें से उठा के बता दीजिए कि ये गलत सवाल पूछा है, कि बड़ी विडंबना है। जनता ने हमें जनादेश ही इसी चीज के लिए दिया हुआ है कि आप सवाल पूछिए। अगर हम पूछ रहे घोटाले हुए हैं तो आप साबित कर दीजिए नहीं हुए हैं। हम आपसे दिखा रहे हैं कि भाई सड़कों की बदहालत है, आप सड़कें ठीक कर दीजिए। हम आपको दिखा रहे हैं बिजली की बदहालत है तो आप बिजली ठीक कर दीजिए, लेकिन आप वहां पे लग जा रहे हैं जानवरों को जो है संबोधन करने के लिए। उनकी गलती नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी पहले संबोधन शुरू किए थे किसानों को भेड़िया कह करके, तो अभी ये भाई उनके मंत्री ही है तो ये और जो है लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि जो है अरे ऐसे कैसे जो है मुख्यमंत्री की भेड़िया तक ही रुक गए, मैं और आगे बढ़ता हूँ और शब्दों का जो है इस्तेमाल करता हूँ। बेहतर होता कि आप, मैं फिर से कहती हूँ, आप जो हमारे एक्सपोज रहे हैं जो हमने इनिशियली किए हुए हैं आप उनको उठा करके देख लीजिए, और उनकी तरफ से जो आए हुए जो इनिशियल जो बदजुबानी जिसकी बढ़ती चली गई, जो जिम्मेदार पद पे बैठे हुए जिनसे प्रश्न पूछा गया हुआ है वो जवाब देने के बजाय उनकी बदजुबानी बढ़ती चली गई कि किस कहाँ तक सही है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बदजुबान हो जाएंगे तो गलत बात हो जाएगी। जैसे कि पहले कभी कभी कहीं कहीं स्कूल में हुआ करता था कि बच्चा टीचर से अगर प्रश्न पूछने चला तो उसको डांट हटा देते थे, जवाब नहीं देते थे, वो कैसी बात होती है। उसी तरीके से मंत्रालय चल रहा है कि आप सवाल पूछेंगे तो हम आपको डांट के हटा देंगे, आपको गलत। चलिए बीजेपी के बीजेपी के नेता भी हमारे साथ आ गए, उनसे उनका पक्ष जानेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है। विशाल जी एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। सर सर आता हूँ आपके पास, ब्रेक का समय, ब्रेक के बाद आपके पास आता हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे किस तरीके से दो सोशल मीडिया अकाउंट्स के बीच सियासत शुरू हुई, सियासत सवाल जवाब शुरू हुआ, फिर वो बात अमर्यादित भाषा तक पहुंच गई। एक अकाउंट था यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर ए के शर्मा का और दूसरा समाजवादी पार्टी का मीडिया से। इस तरीके से दोनों ने एक दूसरे पर निशाना साधा कि हर कोई हैरान था कि एक पूर्व IAS MLC यूपी का कैबिनेट मंत्री के ऑफिस का एक्स अकाउंट ऐसा और समाजवादी पार्टी के सेल से हुआ, तो किसी को भरोसा तो नहीं हुआ। नीरज त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा के नेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके पास आएंगे उससे पहले, ब्रेक से पहले एमएल वर्मा सर कुछ कहना चाह रहे थे। सर विशाल जी, अगर भाजपा के नेता जी, सारे लोग और आम पब्लिक और माननीय मंत्री जी अगर इस चैनल को देख रहे हो या बाद में देखें, तो मैं आज उनके सामने बताना चाहता हूँ। एक विद्यालय है हायर एजुकेशन, उसका मैं कस्टोडियन, और आज के दिन में यह है कि जो बिल आया हुआ है उस बिल से जो वर्तमान रीडिंग है उसे एक साथ 1000 यूनिट जाता है। आप आज की यूनिट देखिए, वर्तमान यूनिट, और जो बिल भेजा गया है पहले 15-20 दिन पहले का, उसे 1000 यूनिट जाता है। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि बिना मीटर तक जाए हुए कर्मचारी अपने मन से बिल लिख देता है। अगर लास्ट डेट ड्यू डेट 31 तारीख है तो पता लगा 26 तारीख को इतने क्लेम कट गया। तीसरी चीज, आदमी कर्मचारी आता है वो कहता है और लोगों का काम चल रहा है, आप 10,000 रुपए खर्च करिए तो आपका काम चलता रहेगा। एक इथिक वाला आदमी अगर वो कहता नहीं हम 10,000 नहीं खर्च करेंगे, हमारा जो भी बिल आएगा वो हमें पे करना है, ये फैक्ट बता रहा हूं मैं, अपने बीती फैक्ट बता रहा हूं। मेरे साथ भी हो चुका है, मेरे घर का बिल था 6500, हो गया था 65,000। अब देख लीजिए तो अच्छा, वो बिल जो आया मजेदार बिल, तो और बकायदा वो जो बिल की रिसिप्ट निकलती है, ऑनलाइन बिल निकाला गया तो 1,20,000 उसको उन्होंने रख के चले गए मीटर पे। मैंने अपने अपने कंप्यूटर वाले, सर आप म्यूट हो गए, 90,000 जी, ये पता लगा गांव में वो जो बिल दिया जाता है उसमें माननीय मंत्री जी को शायद ना मालूम हो, और ना मालूम हो तो आपके चैनल से जान लें, गांव में जो बिल दिया जाता है गांव वाले लोगों के साथ क्या होता है, तो सीधे कैश देते हैं, और जो बिल इकट्ठा करने जाता है वो चेक भी नहीं देता है। अब आपको 5,000 का बिल है, अगर 10,000 लिख करके दे दिया गया, उसके नीचे की प्रिंट को ठीक कर दिया गया क्योंकि उसमें बोल्ड है ऑनलाइन वाले में, और जो दे दिया गया उसमें बोल्ड भी नहीं है वर्ड्स,
किसी हेरा फेरी को जानने के लिए आप कैसे जानोगे? और पूरे गांव के गांव ये चल रहा है क्रम कि उसको जो बिल दिया गया और उससे जाके कैश ले आया गया, वहां कितना जमा किया गया नहीं मालूम है, खाली जीरो लिख दिया जाता है। आपका आपका बैलेंस आपका आपके ऊपर जो बैलेंस वो जीरो है। तो माननीय मंत्री जी को सर्च करनी चाहिए। नीरज जी तो ऑब्जर्वेशन करते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल, अब नीरज जी हैं, नीरज जी ये बात पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सर, आता हूं आपके पास। पार्टिसिपेंट और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। और या आप घोषित कर लीजिए कि आप पब्लिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक के पास प्रॉब्लम नहीं, वो तो अधिकारी जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसमें तो प्रॉब्लम है ही नहीं, उसमें तो आपके घर के बाहर मार्बल लग गया है रोड की जगह। चलिए, नीरज जी के पास। नीरज जी हमेशा चर्चा में है, जब से बिजली विभाग का हुआ, गर्मी के बाद गर्मी में भीषण विद्युत की समस्याएं झेली हम लोगों ने, बिजली कटौती झेली, और जब बरसात आई तो हम लोग डेंगू मलेरिया से जूझ रहे हैं, और उसके बाद जब सोशल मीडिया पे मान लीजिए एक पार्टी ने कुछ पोस्ट कर दिया तो उस पर इतना ज़्यादा फोकस करके संग्राम हो गया कि आज वो चर्चा का विषय बना है। वहाँ समाजवादी मीडिया सेल की कोई चर्चा नहीं है, वहाँ चर्चा ये है कि ए के शर्मा के ऑफिस के अकाउंट से ये बात हो गई है। विशाल जी जय श्री राम, आपको आपके माध्यम से चैनल माध्यम से जनता की। अभी प्रोफेसर साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, बिजली की समस्या को उठाया, विषय से हटकर बात की। हम लोग जिस विषय पर अभी बैठे हुए हैं उस चर्चा से हटकर वो उन्हीं उन्हीं मंत्री का विषय है, उन्हीं मंत्री के अंतर्गत ही चीजें आती हैं। उन मंत्री जी के अंतर्गत ये चीजें आती, लेकिन अभी विषय चल आता है कि ये सोशल अकाउंट से जो एक प्रत्यारोप हो रहा है ना, उस पर मैं इनसे ये नहीं कह रहा हूँ, आपको ये नहीं कहना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मान लीजिए कोई विभाग का कर्मचारी गलत मीटर, जैसे आपने अपने घर का भी उदाहरण दिया, अगर गलत मीटर या गलत रीडिंग से बिल आ रहा है, उसके लिए कंप्लेन हर विभाग में, हर कार्यालय में कंप्लेन सेल बनी हुई है, कंप्लेन करिए, नहीं सुन रहे अधिकारियों के पास जाइए, नहीं सुन रहे ऊपर, हर चीज का निर्णय इस समय हो रहा है। हमारी सरकार अगर कोई आप कंप्लेन कर रहे हैं उस पर निर्णय दे रही है, उस पर निरीक्षण कर रही है, एक और मोटी जिसमें फ्लैग लगे। और रही बात जिस परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप एक चीज बताइए, आपने बहुत आसानी से कह दिया विशाल जी कि मान लीजिए उन्होंने ऐसा कर ही दिया, अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए किसी चैनल ने आपके चैनल कुछ कह दिया तो आप क्या करेंगे विशाल जी? आपने इतना बड़ा आरोप लगाया, कैसे हो गया ये? क्या अच्छा, अभी हमारी सपा की जो बहन जी बैठी हुई है, डॉक्टर में बैठी हुई है, उन्होंने कहा कि संस्कारों की बात की, आप संस्कार भाजपा को सिखाएंगे? एक एक सीट, एक एक छोटा सा कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हमारे यहाँ चुन कर आते हैं, सिस्टम से आते हैं विशाल जी, और सब एक दूसरे के आदेशों में और संस्कारों में बंधे हुए हैं। अब हमें संस्कार सिखा रही है, आप अपने पिताजी का, अपने चाचा का सम्मान नहीं कर पाते, हम उन बातों में नहीं आना चाहते, लेकिन आप संस्कार की बात हमसे कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से, तो आप संस्कारों की बात तो मत करिए। और रही बात अगर आप कहते हैं कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो आप FIR कराइए, आपने गलती की, आपके नेताओं ने गलती की, हमारे नेता के भाई ने FIR दर्ज की है, जो विवेचक महोदय जो विवेचना करेंगे, जो डिसीजन लेंगे, उसको माना जाएगा, उसको स्वीकार किया जाएगा, न्यायालय में जाएगा, न्यायालय उसको देखेगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई कार्यकर्ता, कोई भी कोई अगर किसी तरह गलत काम कर रहा है, FIR कराइए, उसकी शिकायत करिए, ऐसे यहाँ बैठ कर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है विशाल जी। नहीं चलिए, संस्कारों की बात थी, अब मैं थोड़ा सा विषय से हटूंगा अगर आपको परेशानी ना हो। ब्रजभूषण शरण सिंह के समय संस्कार कहाँ थे? कुलदीप सेंगर के समय संस्कार कहीं गए हुए थे? ऐसे तमाम नेता हैं भाई साहब, संस्कार दोनों पार्टियों के, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने एक आदमी के लिए कहा ही नहीं, मैंने दोनों दलों के अकाउंट के बारे में ये बात कही। आप थोड़ा लेट जुड़े, आपने जो कहा मैं क्लियर कर दूं, फिर पूजा मिश्रा के पास चलेंगे। मैंने सबसे पहले यही कहा कि आप, पूजा मिश्रा, सवाल यही था मेरा कि आपके मीडिया सेल की हमेशा से शिकायत रही है कि उसकी भाषा शैली बिगड़ जाती है, लेकिन यहाँ बात विषय उसका नहीं कि जो रोज काम करता आ रहा हो, अगर कोई रोज तेज गाड़ी चला रहा हो तो उसको आदमी नहीं कहता है, लेकिन जो आदमी बहुत अच्छे से गाड़ी चला रहा हो, वो एक दिन आके बिल्कुल जिगजैग करके गाड़ी चलाने लगे, उसको कहा जाता है। अगर ए के शर्मा का विभाग चर्चा में है, ए के शर्मा खुद चर्चा में है, तो उसका कारण होगा कुछ।
लोग आज अघोषित बिजली कटौती से परेशान हैं, शहरों में गांव से कम बिजली आ रही है। उसके बाद मैं देखिए फैक्ट की बातें हैं, गलत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे घर में मैं ऑफिस जब आता हूँ तो मुझे 10 बजे, मुझे 2 बजे अगर ऑफिस आना है तो मुझे 7 बजे कपड़े प्रेस करने होंगे, क्योंकि पता नहीं होता बिजली कब चली जाए। मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से, वार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे शहर की छोड़ दीजिए, एक छोटे से वार्ड में मेरे कैसे नाली भरी है। और भाजपा के पार्षद हैं भाई साहब, भाजपा के पार्षद हैं, दो वार्ड है, एक वार्ड में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, एक वार्ड के सभासद अपने कार्यालय को नहीं साफ करा पा रहे हैं, कह रहे कोई सुनता नहीं। और मेरे घर के सामने मजमा लगा हुआ है बिल्कुल, ये मंत्री जी, मंत्री का विभाग है, नगर निगम मंत्री ही के पास है। आप जब बिजली एक जगह, अब बिजली, अब फिर मैं आपसे कहूंगा, एक दिन फॉगिंग की मशीन नहीं आई है मेरे यहाँ, एक दिन। और जो आता है, जिसको चार्ज दिया जाता है, उससे उसकी सेटिंग हो जाती है, कहते मशीन में हम इतनी देर घुमाएंगे काम हो जाएगा। भाई साहब बहुत शिकायतें हैं, लेकिन कहें किससे। आपको बात करूं, बिजली की बात करूं, फॉगिंग की बात करूं, सफाई की बात करूं, या कुल मिला के बात करूं। अरे कुल मिला के साथ पूरे मंत्री जी के कार्यकाल की बात करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि हमें लग रहा है और अमित प्रवक्ता की जगह आप नहीं ज्यादा। अरे मैं क्या प्रवक्ता, अरे भैया आप मान लीजिए हमारा भी दर्द है कुछ, हमारा भी दर्द है, अरे ऐसा थोड़ी है। अब आप हमें प्रवक्ता बना देंगे, अभी आपकी बात हम कर रहे होते कि नहीं पूजा मिश्रा जी आपका जो अकाउंट है इसको कहते, तो आप कहते वो कितना अच्छा पत्रकार है, आपको मेरी क्लिप भी शेयर कर देते कि आपसे निर्भीक निडर पत्रकार ही नहीं है कोई। लेकिन मैंने पूजा मिश्रा की तरह से 2 शब्द बोल दिए तो आपको लग गया कि मैं, चलिए पूजा जी आप ही जवाब दीजिए, अब हम नहीं बोलेंगे, हम आपसे सिर्फ सवाल करें। चलिए चलिए बोलिए जी जी जी। आप केवल तुलना करिए पिछली सरकारों से हमारी सरकारों में। अभी आपने सफाई की बात की, क्या हर घर में कूड़े वाली गाड़ी या कूड़ा उठाने नहीं आ रहा आदमी? क्या नहीं पहुंच पा रहा है हर गलियों में, हर वार्ड में? क्या हर गली में, हर सड़क में आज झाड़ू नहीं लग रही है? सफाई की बात आ गई, बिजली की बात आप करिए। पूरे पूरे दिन सफा सरकार में बिजली नहीं आती थी, कोई सुनने वाला नहीं था उस सरकार में। आज अगर बिजली कटौती हो रही है, समय समय पर कभी होता है, अप डाउन होता है, लेकिन आज भाजपा सरकार में जितनी बिजली आ रही है पिछली कोई सरकार नहीं दे पाई है। क्या आप इससे राय, हमारी राय से सहमत नहीं है? आज जितना काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है जनता के हित में, भाई जो सुविधाएं मिल रही है, राशन मिल रहा है, बिजली मिल रही है, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, इलाज, शिक्षा व्यवस्था, सफाई, हर काम में हम आगे। पिछली सरकारों को कोई एक ऐसा काम बताइए जो जनता के हित में इन्होंने किया हो। मैं तो हमारा जो है बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा काम है। मैं पिछली सरकार की 2017 से 22 तक की बात करूं आपसे, श्रीकांत शर्मा हुआ करते थे विद्युत मंत्री, मथुरा से विधायक थे, और सुरेश खन्ना शाहजहांपुर से विधायक हैं, वो नगर विकास मंत्री थे जितनी मुझे जानकारी है। जिन मीटरों पर रोक लगाई थी, ये जो मीटरों पर रोक लगाने वाला पहला व्यक्ति श्रीकांत शर्मा था। श्रीकांत शर्मा जैसी विद्युत विभाग को चलाया ही नहीं किसी ने। स्वयं मैं उनके अकाउंट को देखता था कि अगर आपने एक एक्सपर पोस्ट किया कि फला जगह बहुत देर से बिजली नहीं है, तुरंत एक नंबर आता था, तुरंत उसका निस्तारण होता था। सुरेश खन्ना बकायदा मीटिंग, ये तो आप ही की बात कर रहा हूँ, मैं पीछे जा ही नहीं रहा हूँ कि आजम खान के पास था कि और एक हसन साहब यासिर शाह के पास था, बहराइच में था तो इस एफएम में था, ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि 17 से 22 तक ये दो डिपार्टमेंट हुआ करते थे जो अब एक हो गए, और इन दोनों में काम होता था। लेकिन अब क्या है कि ब्यूरोक्रेट ग्रुप का जब कोई एक आदमी अधिकारी बन जाता है, नेता बन जाता है, तो फिर वो लोग थोड़ा अपने हिसाब से चीजों को करते हैं। ये बात मानिए आप, पूजा मिश्रा करो नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सरकार की और मुख्यमंत्री जी की पूर्ण रूप से चलती है, कोई व्यक्तिगत। अरे ये हम कहाँ कह रहे हैं भाई साहब, ये मैंने एक बार नहीं कही, आप अपने मन से कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हो? नहीं, हमने कुछ नहीं कहा, ये आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री जी की चलती है, उनकी बिल्कुल चलती है और उनकी दमदारी से चलती है। चलिए बिल्कुल, चलिए अब पूजा जी बताएंगे। पूजा जी भी कह गए कि हमारे पूर्व नगर विकास मंत्री के समय में काम सही होता था, ये मैंने कहा, मैं मान रहा हूँ इस चीज को, मैं तो कह रहा हूँ। मैंने यासिर शाह को भी कहा, वो भी बहुत अच्छी बिजली देते थे, उससे पहले बसपा गवर्नमेंट में 24 घंटे बिजली आती थी, भाई बिजली तो आती थी। शाल जी मैं जवाब देना चाह रही थी, बिल्कुल, कि भाजपा का बोल रहे थे कि जो है बिजली बहुत आ रही है, तो मैं इनको बता दूं कि पहली बात तो आप फैक्ट पे चले जाइए कि बिजली की प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश किया करती थी, तो बिजली की उत्तर प्रदेश कम कर रही है, तो हम जो निर्यात कर रहे हैं बाहर ले रहे हैं, हमारी सरकार में जितना लेना पड़ता था उससे ज्यादा लेना पड़ रहा है,
तो इसलिए हम आप बिजली की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं पहली बात। दूसरी बात, मैं प्रयागराज में हूँ और मेरी ऑफिस है तो वो चलती है, मतलब है कुछ काम से रखा भाई, जीविका रहनी चाहिए। तो मैंने अपने वक्त को कॉल किया है कि जो है चले जो है वहाँ पे, वो 11 बज के पहुंचे नहीं। उसने कहा कि 4 बजे करंट आएगा, जब से जो है दशहरा लगा हुआ है तब से सुबह से करंट नहीं रहता है, 4 बजे कटौती चाहिए। उसके बाद में अपने झाड़ू की बात की, मैं नगर निगम में ही रहती हूँ, नगर निगम से बाहर नहीं, कब भी नहीं आया। आप बोलेंगे मैं घर के सामने एक कैमरा लगा दूंगी, वो पूरा दिखेगा कि कब आए, कभी नहीं आया। मैं पता नहीं न जाने कहाँ झाड़ू लगा रहे, हो सकता है कि जहाँ भाजपा के लोग होंगे, आपके वक्त प्रवक्ता वगैरह होंगे तो वहाँ झाड़ू लगा देते होंगे। उसके बाद में आप कह रहे थे कि किस मुद्दों पर बात की जाएगी। अगर आप एक्स पी भी बात करते हैं तो मुझे लगता नहीं कि आपको जरूरत है, आप चाहिएगा, आप उस पर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा प्रश्न पूछा गया। और आप अपने प्रश्न का जवाब देने के बजाय जुबानी शुरू कर दी। एक ऊर्जा मंत्री, एक मंत्री पद पे है, एक मंत्री पद से सवाल पूछा गया और आपने खुद को ले लिया कि एके शर्मा जी सवाल पूछा जा रहा है, वो बदजुबानी चलती चली आई। उसके बाद में मुझे लगता है ज्यादा सही होता कि आप जो है वो कार्य करके दिखा देते। मैं रही हूँ उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश में रही हूँ और समाजवादी पार्टी की सरकार में भी रही हूँ, और तब रही हूँ जब जो है मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। मैंने तब भी देखा है उत्तर प्रदेश, तब भी था कि हाँ मैं पता था कि लाइट ये पता होता था कि एक हफ्ते दिन में आएगी और एक हफ्ते रखते हैं, ये जानकारी होती थी। अब तो जानकारी ही नहीं है कब रहेगी कब नहीं रहेगी, कम से कम ये तो जानकारी हुआ करती थी कि 12 घंटे लाइट मिलती है और इतने समय रहेगा आप ये कार्य कर लीजिए। उसके बाद में आ जाइए कि आपने मंदिर में बात करते यहाँ पे प्रयागराज पता होगा विशाल जी वहाँ आ रहा है, तो 2013 में भी आया था, मैं मुझे 2007 से याद है और 2025 में आने जा रहे हैं। जितना ये सड़कें बनी थोड़ी जा रही हैं जो 2013 में बनी थी, 2013 में विशाल जी मैं सबको का नाम भी बता सकती हूँ कि रातों रात सड़कें बनी थी, दिन में डिस्टर्ब नहीं किया जाता था, रात को 12 बजे सड़कें बनना चालू होती थी और सुबह के 6 बजे तक काम समेट लिया जाता था ताकि जो आम जनमानस है उनको डिस्टर्बेंस ना। और यहाँ पे क्या किया जाता है कि गड्ढे खुले छोड़ दिए जाते हैं, जब उसमें किसी की मृत्यु हो जाती है तब वहाँ पे पुलिस दिखने लग जाती है। हम लोग को पता चल जाता है कि अगर ये गड्ढा इतने दिन से खुला था और कुछ कुछ नहीं पड़ा हुआ था, और आज अगर यहाँ पे जो है डायवर्जन लगाया जा रहा है इसका मतलब है कि कोई कैजुअलिटी पक्का हो गई हुई है। तो इस तरीके से कार्य चला, ये दिन भर जो जनता को परेशान करते हैं, परेशान करने के बाद में तब ये कार्य दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम ये कार्य कर रहे हैं। इनको लगता है जनता जब तक परेशान नहीं होगी उनको पता कैसे चलेगा कार्य चल रहा है। तो हमने ये कार्य भी देखा हुआ है कि कब जो है 2013 में हुआ, जब राजनीति सब कुछ नहीं है, मैं समाजवादी पार्टी की जो है ये प्रशंसा नहीं कर रही। मैंने समाजवादी पार्टी का कार्य तब देखा था जब राजनीति से लेना नहीं था, और जब से मैं राजनीति जान रही हूँ तब से तो आप ही की सरकार है, और तब उसमें यही हाल हो रखा है कि अपने जनता को परेशान। और मैं फिर कहूंगी कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी को, गलत वक्तव्य देने के बजाय ये देखना चाहिए था कि हाँ ये कार्य गलत हुए हैं, क्या ये कार्यों की जरूरत है, मेरे लुकआउट की जरूरत है और उस पर कार्य करते तो बेहतर होता। ये इन सब शब्दों का प्रयोग करने के बजाय, किसी के विपक्ष के निकट पर पर्सनल अटैक करने की बजाय, और आप चले जाइए। आप मैं फिर कहूंगी कि आप जितना एक्स हुआ है दिन भर में, आप एक्स पोस्ट को सारे उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है कहाँ पे गड़बड़ियां हुई है और कहाँ से शुरुआत पहले शुरू हो गई हुई है। हाँ, अब आप ये चाहते हैं कि जो है आप हम पे पत्थर मारे और हम चुपचाप बैठ करके पत्थर सह लें, पत्थर अगर आपकी तरफ आ रहा दो कदम पीछे हो जाइए। मेरी तो राय ये है कि इस तरीके की भाषा शैली दोनों ही दलों को नहीं इस्तेमाल करनी, इससे बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है। अभी हम बात कर रहे हैं, देश दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम एक दूसरे की मतलब वो शब्द भी नहीं बोल सकता मैं, वरना अगर ऑफेयर होता तो शायद मैं बोल भी सकता था। मैं प्रोफेसर एम एल वर्मा जी का रुख करूँगा। सर, तमाम शिकायतें हैं, इस ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी मंत्री ने ये किया है। इस जब से 17 से 22 स्वयं प्रसाद मौर्य इसी विभाग में मंत्री थे, उन्होंने कहा कि वो एक विकलांग महिला से बदतमीजी कर दी। ऐसे मतलब मंत्रियों का क्या है कि उनको एकदम से पता नहीं कौन सी तुनक मिजाजी सवार हो जाती है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कोई कहे तो बता देना, पीला गमछा डालोगे तो चेहरे पे ओम प्रकाश राजभर नजर आएंगे। बेचारा वो चला गया तो थानेदार ने बंद कर दिया उसको। तो विशाल जी, मैं तो एक प्रोफेसर हूँ और इससे पहले कई किताबें लिख चुका हूँ। इस समय मैं लिख रहा हूँ विजन यूपी, और उसके लिए जितने डेवलपमेंट के लोगों ने, इकोनॉमिक्स और जितने सारे लोगों ने कुछ भी लिखा है या जो रीड किया है, जो स्टडी किया है, जो रिजल्ट निकाला है, उनको पढ़ना पड़ रहा है। मैं आपको सामने दिखा दूँ, एक कार्तिक मुरलीधरन, एक किताब है एक्सेलरेटिंग इंडियाज डेवलपमेंट,
जी ठीक है, मैं इसको पढ़ रहा था, ये कार्तिक मुरलीधरन ऑक्सफोर्ड से इन्होंने ऑनर्स किया है और हार्वर्ड से पीएचडी किया है, ठीक है, इकोनॉमिस्ट है। अब इन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ऑफिसर्स की है, रेड टेपिज्म ज्यादा है, और इस बात को भाजपा के गडकरी जी और जाने कितने नेताओं ने कहा है कि सब रेड टेपिज्म अगर खत्म नहीं होगा तो हमको जलेबी की तरह से ऑफिस टू ऑफिस दौड़ाते रहते हैं और काम नहीं होता है, ये खत्म होना चाहिए। तो बेसिक प्रॉब्लम यहीं से आती है कि उनकी जो संस्कृति है माननीय नेताजी की, मंत्री जी की, वो अधिकारी रहे हैं, इसलिए किसी प्रॉब्लम के विषय में आप उनसे बात न करिए, वो खुद ही लोगों को बताएंगे जो सीखा है फोटोग्राफी और वगैरह वगैरह। मैं मिला हूं उनसे, और मैं अपने भाजपा के नेता से भी कहना चाहता हूं, भाई ऐसा नहीं है, मैं भी भाजपा में, लेकिन भाजपा में होने के नाते क्या मैं अपना मुंह बंद कर लूं, जो सही बात है वो भी ना बोलूं? सही बात को अगर अगर नहीं सुनना है या अगर हम नहीं बोलते हैं तो ये अच्छा नहीं, मेरी मेरा इथिक्स नहीं कहता मैं सही बात ना बोलूं, गलत बोलूं। तो इसलिए खाली मैं अपने अपने साथियों से भी अनुरोध करना चाहता हूं, जो फैक्ट है, जो सही है, आप उसको बोलिए, और वो आपके हित में, अगर आप सही नहीं बोलेंगे तो उसका रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। रहमर भी कहते थे कि आप अपने अपने विरोधियों को, दुश्मनों को आंगन कुटी छवाए, अपने आंगन में रखिए, तो इससे तो उनके हित की बात होगी। अगर जनता को वास्तव में आपको कुछ न्याय देना है, ईमानदारी दिखानी है, तो आप उस प्रॉब्लम को देखिए। अरे अगर इसमें मीडिया में उन्होंने कहा, इसके बाद में उन्होंने गाली दिया, यहां तक कि संसद में पहुंच गया, ये बड़े शर्म की बात है कि इस तरह की बातें होती। देखो सुनील त्रिपाठी जी का, सुनील जी बस डिबेट को मैं क्लोज कर रहा हूँ, फाइनल कमेंट आपसे लूंगा और फिर नीरज त्रिपाठी से फाइनल कमेंट लेके डिबेट को क्लोज करूंगा। सुनील जी जी, अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किसी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। अभी हमारी बहन पूजा जी कह रही थी कि विधानसभा में अखिलेश जी ने कहा, अगर उनके बाप पे बात आई तो उन्होंने भी ऐसी बात भाषा बोली। मैं बड़ा निवेदन साहब जैसे कहना चाह रहा हूँ, एक घटना मैं तस्दीक दुआ हूँ, मुलायम सिंह जी के ऊपर जब हमला हुआ है जिससे जनता दर्शन में, मैं तस्दीक हूँ, मेरे सामने घटना है, और अगर वो फुटेज भाग देख लीजिए मैं बैठा दिखाई पड़ूंगा। नेताजी के ऊपर इतना बड़ा प्राणघातक हमला हुआ, उसके बावजूद नेताजी ने उस व्यक्ति को बचाने पूरा प्रयास किया, वरना इतनी टीम की वो मार दिया गया होता। फिर भी जनता से मिले और मिलने बाद उनके चेहरे कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके ऊपर कोई हमला हुआ हो। ये संयम और शहर की बात होती है जो अब राजनेताओं मुझे दिखाई नहीं पड़ती। मैं एक राजनेता की बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात देखिए, शर्मा जी हमारे ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं विशाल जी, मेरा 35 साल का जीवन ब्यूरोक्रेट्स के बीच गुजरा है। मैंने देखा ब्यूरोक्रेट्स को यस पसंद करता है, नो पसंद नहीं करता, और यस पसंद इसलिए करता कि जीवन भर सुव्यवस्था में हेटर हूं, और हैं भी जो आदेश दे देते हैं शासन आदेश हो जाता है। कहीं ना कहीं अगर ब्यूरोक्रेट नेता बनता है तो भी उसके दिमाग में बू आईएएस की ही भरी रहती है। मैं शर्मा जी की नहीं कह रहा हूं, जो इस बिरादरी से आए हैं, आप किसी देख लीजिए, आईएएस आईपीएस पॉलिटिशियन नहीं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं लेकिन पॉलिटिशियन जैसा स्वभाव लाना उनके बस की बात नहीं रहती है। तो अगर शर्मा जी ने भी ऐसा कहा तो मैं पछतर नहीं हूँ, दोनों लोगों को सम्मिलित भाषा बोलना चाहिए। और जो हमारे त्रिपाठी जी कह रहे थे, मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूँ कि कूड़ा उठाने गाड़ी लगा रही है, मानवर पहले 50 रुपया लिया जाता था, एक हफ्ते 100 रुपया लिया जा रहा है, उसमें हफ्ते में 2-3 आती है, रोज भी नहीं आती है। और अगर मंत्री से निवेदन साथ में कह रहा हूँ, मैंने अपने पत्रकारिता जीवन खराब हुआ पानी लिखा है, होता उस समय मेरी आंखें कहीं बंद हो गई तो मैं कह भी नहीं सकता हूँ। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर पानी डूबी किसी दे करके किनारे से निकले, ये बड़ी शर्म की बात है। और नगर आयुक्त के ऊपर कोई कार्रवाई हुई, आज डेंगू मलेरिया के लिए मानी सर हमारा हाईकोर्ट भी सख्ती से पेश आया, लेकिन आज भी डेंगू फैला हुआ है। छिड़काव कहाँ हो रहा, मैं देख रहा हूँ मेरे पास आज तक मेरी गली को छिड़काव करने वाला नहीं आया। हाँ अभी जब आया होगा तो आपको बताएगा क्या हुआ, आप घर पे नहीं रहते हो, दवाओं का होगा। सुनील जी आप घर पे नहीं रह रहे हो, ये बिल इतना जो है
चलिए हम लोग पत्रकार घर में कहा शाम को आते से पता ले जाते हैं, तो बस अब आपको इतनी फॉगिंग की चिंता नहीं होगी। नीरज जी के पास चलूंगा, फाइनल कमेंट लूंगा, फिर डिबेट क्लोज करते हैं। नीरज जी जी, सुनील जी, आपकी जो समस्या है उसको ध्यान दिया जा रहा है और आप भी अपने भैया कहीं डेंगू निपट न जाए, समस्या रह जाए, इसमें हाथ जोड़ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम भाजपा से हैं, हम अपनी बात बोल सकते हैं, अगर सही बात भी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें सही बात बोलने का अधिकार है, आप बोल सकते हैं, आपको सुना जाएगा और उसमें अगर कोई सही बात मानी जाएगी तो उसको कार्यान्वित भी किया जाएगा। और रही बात अब सपा ये जो प्रवक्ता माई बहन जी बैठी है, इन्होंने कहा, स्वयं स्वीकार किया, अभी आपने विशाल जी सुना होगा कि पहले एक हफ्ते दिन में बिजली आती थी, एक हफ्ते रात में बिजली आती थी, इन्हें पता रहता था कि आप इस हफ्ते दिन में आएगी, इस हफ्ते रात में आएगी, सबको पता रहता था। लेकिन आज 24 घंटे बिजली आ रही है, लेकिन जब लोड बढ़ता है तो कुछ घंटे के लिए बिजली फॉल्ट कहीं फॉल्ट होता है या लोड बढ़ता है तो काटनी पड़ती एक प्रक्रिया है। लेकिन एक हफ्ते एक दिन वाला मसला भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया। दूसरी चीज इन्होंने कहा, अब बिजली की डिमांड पहले से ज्यादा है, आप जान रहे हैं पहले से ज्यादा डिमांड है, उसके बाद भी हम मेहनत कर रहे हैं, एक हफ्ता दिन एक हफ्ता रात नहीं कर रहे, आप सब जान रही है, सभा वाले सब जान रहे हैं कि हमसे अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा, बिजली तब भी हम ज्यादा दे रहे हैं, जनता की समस्याएं ज्यादा पहले पूरी कर रहे हैं। उसके बाद आपने कहा कि रात में सड़कें बनती थी, रात में 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक बन जाती थी, पब्लिक परेशान नहीं होता होना पड़ता था। अरे आप रात में मोहल्ले की सड़कें बनाती थी, आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों को जाल बिछा दिया है। आप देखिए कानपुर से लेकर रायबरेली मार्ग कभी वो बनाई नहीं, हमेशा आपके आपकी विधायक आपके सांसद रहे, आज देखिए वहां पे 4 लेन हो गया, पूरे प्रदेश में पूरे देश में सड़कों के जाल बिछाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बिछाया है। और रही बात विशाल जी आज का जो मुद्दा है, आज के मुद्दे में जल्दी से बात खत्म करेंगे, टाइम नहीं है, अब समय ओवर हो रहा है। आप म्यूट हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, जल्दी से अनम्यूट करके अपनी बात को पूरा करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी काम से जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो द्वंद भी जारी है और तनाव भी भारी है लगातार, आज पूरे दिन समाजवादी मीडिया से एक ही सवाल था, कहाँ है मंत्री जी? अब जवाब तो नहीं आ रहा है, लेकिन अब इस पर सियासत तेज है, कहीं डिप्टी सीएम का एक्स पर पोस्ट तो कहीं तमाम नेताओं का पोस्ट, अब देखना होगा इस सोशल मीडिया के इस दौर में, सोशल मीडिया पर शुरू हुई इस जंग का अंत कब होगा। फिलहाल मंथन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, नमस्कार।